মোদি পিকিপাল মহোদয় মহাশয়কে আজকে মহাশয় এই শিক্ষক শীর্ষতে আমরা উপস্থিত নিজামিটিকে রাজ্যের জীবন পুলিশ অফিসার শ্রীমতি আমাদের মহাশয় ফায়ার সেফটি जो मेरे कलीग हैं, आप सभागार में आए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मेरे कलीग्स और वॉलेंटियर्स सभी को आज डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ इस वर्कशॉप में, और उम्मीद करता हूँ कि इस वर्कशॉप से जो आपको जानकारी मिलेगी वो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। मैं देख सकता हूँ कि आप सभी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में है एक लीडरशिप रोल में है, चाहे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे हमारे पुलिस ऑफिशियल हो, फायर ऑफिशियल हो, डिफरेंट स्कूल के अध्यापिका हो, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है हमारे प्रदेश में किसी भी डिज़ास्टर से वो फायर है। आप लोगों ने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी फायर से अपनों का या अपने पड़ोसियों का लॉस होते हुए देखा होगा, और क्योंकि अब हम लोग एक इंस्टीट्यूशंस के लीडरशिप रोल में हैं तो लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उन डिज़ास्टर में उस ऐसी सिचुएशन में उनकी सहायता कर सकें एटलीस्ट जानकारी के थ्रू। हमारा सहयोग बहुत अच्छा मिलता है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। मैं देखता हूँ कि जो रिस्पॉन्स टाइम फायर डिपार्टमेंट का है यहाँ पर वो भरोसेमंद है, मैक्स मिनिमम टाइम में वो लोग पहुंच जाते हैं, और जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत इम्प्रूव्ड है। लेकिन अगर हम अगरतला का जो डिज़ाइन देखें कि कई जगह ऐसी हैं, आप कई हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया ऐसे हैं जहां पे फायर को रीच करने में समय लग सकता है। आप भी समझ रहे हैं कि क्योंकि ये प्लांट ऑर्गेनाइज तरीके से शहर नहीं बसा हुआ, तो कई कई छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन गलियों में रिस्पांस पहुंचने में आम आदमी के पहुंचने में भी समय लगता है। तो अपनी सेफ्टी के लिए भी आप एक तो ट्रेनिंग लीजिए और इन इक्विपमेंट्स का यूज़ भी असेंबली कीजिए अपने घर में, इसका यूज़ हो सकता है, एक तरह का इंश्योरेंस कवर है आपके लिए। और इंस्टीट्यूशंस में भी, खासकर मैं देखता हूँ कई अस्पतालों में इस तरह की जो सेटअप्स हैं वो नहीं किए गए हैं, कई रेस्टोरेंट्स में, सिनेमा हॉल में, जहाँ भी क्लोज डोर है, इवन कई बिल्डिंग्स में देखता हूँ या कई रूम्स देखता हूँ वहाँ पे सिंगल डोर एंड सिंगल ही डोर है, देयर इज नो सेपरेट एग्जिट और एंट्री। आप अपने घर की बनावट देखेंगे तो पाएंगे कि सभी कमरों में एटलीस्ट दो डोर होता है ना, मतलब अगर कोई एक डोर ब्लॉक हो जाए तो दूसरे से आप निकल सकते हैं, एटलीस्ट दूसरा डोर बालकनी में खुलता है, ओपन एरियाज में ओपन होता है। तो जब भी आप इस तरह का अपने इंस्टीट्यूशन में डिज़ाइन देखते हैं तो आप जो भी इंजीनियर साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और ये 1500-1600 का ये इक्विपमेंट आता है जो सबसे हैंडलिंग करने में आसान है, इसको आप अपने इंस्टीट्यूशंस में रख सकते हैं, ये ज़रूरत पड़ने पे काम आता है। कई जगहों पर पानी की अवेलेबिलिटी या रेत की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा इंस्ट्रूमेंट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। उस समय आप इधर उधर भाग के सवाल लेंगे तो उसमें ये आपका सपोर्ट कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्कशॉप आज यहाँ पे होगी आप फ्यूचर में उसका इस्तेमाल करेंगे, और जिस इंस्टीट्यूशन में भी आप हैं एक लीडरशिप रोल प्ले करेंगे डिज़ास्टर रिलीफ मिटिगेशन और रिस्पॉन्स के लिए। इसी उम्मीद के साथ प्रशंसित पाना।